हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम राम भक्त शबरी की कहानी सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह बात इतनी पुरानी है कि उस समय तक भगवान राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति से संबंध रखने वाले अज की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम शर्मणा रखा गया। यही शर्मणा आगे चलकर शबरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अज और उनकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। शबरी अपने माता पिता की आंखों का तारा बन चुकी थी। शबरी को प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था। वह हर पल प्रकृति से बात करती रहती थी। उसे जानवरों से भी बहुत लगाव था। वह रात दिन जानवरों की चिंता में ही रहती थी। जानवर प्रेम के अलावा उसे एक और प्रकार का प्रेम हो गया था, और वह था भगवान से प्रेम। वह भगवान की पूजा अर्चना में भी लीन रहने लगी थी। लोग उसे भक्त बुलाने लगे थे। शबरी के माता पिता उसकी इस भक्ति भाव को देखकर चिंता में रहने लगे थे। वह सोचते थे कि अगर शबरी इसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन रही तो आगे चलकर कहीं भी वह जोगन ना बन जाए। बस इसी चिंता के चलते शबरी के माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। एक दिन उसके पिता खूब सारे जानवर घर में ले आए। जब उन जानवरों को उसने घर में आते हुए देखा तो उसे अचंभा हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि वह इतने जानवर घर में क्यों लाए हैं। तो इस प्रश्न पर शबरी के पिता ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी की दावत के लिए इतने सारे जानवर लेकर आए हैं। यह सुनते ही शबरी की आंखों में आंसू आ गए। वह तो जानवरों को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उसके पिता जानवरों को मारने का सोच रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि उसे ऐसी शादी नहीं करनी जहां पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो। शबरी ने तुरंत ही सोचा कि वह शादी से पहले ही अपने गांव से भाग जाएगी। ऐसे में जानवरों की जान भी बच जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी। फिर क्या था, शबरी ने ज्यादा ना सोचते हुए घर से भागने का पूरा मन बना लिया। रात को जब सब सो गए तो उसने जानवरों को भी छुड़ा दिया और वह भी गांव छोड़कर भाग गई। भागते भागते वह ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंची। वह पर्वत ऐसा था कि जहां पर केवल ऋषि मुनि ही रहते थे। शबरी ने सोचा कि इस जगह से अच्छी उसके लिए कोई और जगह नहीं होगी। वहां पर रहकर वह सारे ऋषि मुनियों की खूब सेवा और आदर सत्कार करने लगी। परंतु ऋषि मुनियों को जब पता चला कि वह भील जाति से संबंध रखती है तो सभी ने शबरी को अपनाने से मना कर दिया। वह शबरी को बहुत खरा खोटा सुनाने लगे। हर दिन के अपमान के चलते ही शबरी बहुत दुखी रहने लगी थी। वह उसी पर्वत पर अपना अलग आशियाना बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन मतंग ऋषि उसकी कुटिया में आए। शबरी ने कहा कि हे ऋषि महाराज, आप कृपा करके मेरी कुटिया में मत आइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इस बात पर मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि मैं बिल्कुल भी दूषित नहीं होऊंगा। इंसान का मन बहुत साफ होना चाहिए, ना कि तन। यह शब्द सुनते ही शबरी की आंखों से आंसू छलक आए। ऋषि मतंग ने
शबरी को अपनी बेटी मान लिया और उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। अब शबरी ऋषि मतंग के आश्रम में रहने लगी थी। वह वहां दिन रात काम करती और प्रभु भजन में अपना समय गुजारने लगी। कुछ साल बाद ऋषि मतंग बीमार रहने लगे। एक दिन अचानक शबरी को बुलाकर उन्होंने कहा कि बेटा, अब मेरे धरती से जाने के दिन आ गए हैं, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इस बात पर शबरी बोली, पर पिताजी, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। अगर आप अपनी देह त्याग देंगे तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। इस बात पर ऋषि मतंग ने शबरी को समझाया कि वह देह इसलिए नहीं त्याग सकती क्योंकि उसे मिलने साक्षात भगवान राम आएंगे। इस बात पर शबरी को कुछ तसल्ली हुई। ऋषि मतंग ने अपनी देह त्याग दी और अब शबरी प्रतिदिन भगवान राम की राह देखने लगी। प्रतीक्षा करते करते वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा सुनहरा अवसर आया जब भगवान राम खुद चलकर शबरी से मिलने आए। उस दिन शबरी का जन्म सफल हो गया था। आखिरकार शबरी ने भगवान राम के सामने अपनी देह को त्याग दिया। जय श्री राम। आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कथा कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। Do not forget to like, share and subscribe.